हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक टू बी विद सीमा। अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम बनाने जा रहे हैं फिनिश और ये बल्लर फल्ली का सीजन चल रहा है, इन दोनों का चार। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी ये हम कुकर में डाल देंगे। देखिए ये बल्लर भी हमने वॉश कर लिया है, ये भी हम कुकर में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बल्लर फल्ली और फिनिश दोनों को कुकर में डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें डालकर ये जितना डूब सके उतना इसको दो विजिल ले लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर दो विजिल ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये मसाले पीस लेंगे। A1 टोमेटो है, थोड़ी कोरिएंडर, कोकोनट थोड़ा सा, और ऑनियन एक बड़ा प्याज कटा हुआ, और मैंने इसमें लिया है जीरा, थोड़ी मेथी और थोड़े काली मिर्च। हम इस सबको भून लेंगे। और हमने इधर इमली को पानी में धोकर भिगने रख दिया है, इसका हम पल्प चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बल्लर और दाल गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बल्लर गल चुकी है, अभी हम उसको ड्रेन करेंगे। ड्रेनर में ड्रेन कर देंगे। देखिए हमने जीरा, मेथी और काली मिर्च को भून लिया है, और यहाँ हमने टमाटर और ये सब कुछ मसाले भून लिया है, अभी हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अभी हम ये जो ड्रेन किया है ये भी थोड़ा सा लेकर मिक्सचर जार में ये भी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा लेकर इससे जार डालेंगे और इसका प्यूरी बना लेंगे हम। इसका ये मसाले को अच्छे से पीस लेंगे हम। अभी देखिए लहसुन की कलियां हम 8-10 डाल लेंगे इसमें, और अभी हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पानी निकाल लिया था ये पानी है वो, और हम इसमें अभी ऐड करेंगे। ये देखिए इमली का पल्प मैंने निकाल लिया था, इमली का पल्प मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हमने जो मसाले पीस लिए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और हम यहाँ से अच्छे से मिक्स दे देंगे। और हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे, आप टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने पहले भी काली मिर्च डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और हम थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देंगे अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स दे दिया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर पैन रख दिया है मैंने, और ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, कर रहा हूँ, और थोड़ा सा करी पत्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बघार हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको मिक्स दे देंगे और स्टोव पे रख देंगे, और ये उबाल आए तक हम इसको वेट करेंगे। जब तक इसमें उबाल आता है हम इसको बघार लेंगे। इसके लिए मैंने बारीक ऑनियन 1-2 चॉप कर लिए हैं, और करी पत्ता को चॉप कर लिया है, और मैंने यह पैन गरम के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे राया। अभी हम डालेंगे इसमें करी पत्ता, प्याज, और अच्छे से इसे पकने तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये उबाल आ चुका है, अब हम इसको स्टोव को बंद कर देंगे। हमारा ये चार पक चुका है, बनाया है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत से रेसिपीज में हम इसको ऐड कर सकते हैं, और मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा है, ऐड करने से बहुत अच्छा रहता है टेस्ट। आप इसकी जगह आप ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी जगह आप लाल मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, बहुत टेस्टी रहेगा। और ये हमारा हो चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, और हम इसको और करी को सर्व करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल लें और अच्छे से मिक्स दे दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गर्मा गर्म चार सर्व कर दिया है, और मैंने ये फिनिश और जो बल्लर थी उसका भी चापना बना के रेडी कर दिया है, और चावल के साथ हम इसको अच्छे से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत एमी बना है, आप भी जरूर अपने घर में बनाएं और ट्राई करें। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, डू फॉलो माय रेसिपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।